नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाला पीड़ित किसान और खाता धारक संघ रामटेक और पाशिनी तहसील ने रामटेक में निर्भय वसूली मार्च निकाला। रामटेक के उप विभागीय अधिकारी को बयान देकर केदार से पैसे वसूलने की मांग की गई है। विदर्भ में संतरा किसानों को मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री द्वारा आयोजित बैठक रद्द किए जाने पर डॉ. आशीष देशमुख ने नाराजगी व्यक्त की। राज्य के सहकारिता मंत्री दिलीप वरसे पाटिल ने 22 साल पहले सुनील केदार द्वारा किए गए 153 करोड़ रुपए के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले में ब्याज सहित 1444 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कार्रवाई की है। राज्य के सहकारिता मंत्री दिलीप वरसे पाटिल टालमटोल कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री दिलीप वरसे पाटिल और सुनील केदार तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर वसूली में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। रामटेक में निर्भय वसूली मार्च में शामिल हजारों पीड़ित किसानों और खाता धारकों ने मांग की कि वसूली तुरंत की जाए और पीड़ित खाता धारकों और किसानों को वितरित की जाए। नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाला पीड़ित किसान और खाता धारक संघ रामटेक और पाशिनी तहसील द्वारा 13 सितंबर 2024 को यह भव्य बेधड़क वसूली मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल बस स्टॉप रामटेक से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय रामटेक तक निकाला गया। पैसे परत मिळाले पाहिजे। बैंक लुटणाऱ्या सुनील केदारांच्या निषेध असो, निषेध असो। जय भवानी, जय शिवाजी। संघर्ष हमारा नारा है, जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, भारत माता की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।